नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। स्वभाव में ही स्वच्छता होनी चाहिए, संस्कार में ही स्वच्छता होनी चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने स्वच्छ भारत की परिकल्पना का सपना देखा था, जिसके तहत मन मस्तिष्क सभी स्वच्छ रहना चाहिए। उक्त बातें चिरकुंडा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विजय हांसदा ने नगर परिषद में पिछले एक पखवाड़े से चली आ रही स्वच्छता पखवाड़ा के समापन के दौरान कही। बुधवार सुबह नगर परिषद कार्यालय से चिरकुंडा के शहीद चौक तक जुलूस की शक्ल में नगर परिषद से जुड़े सभी कर्मी, साथ ही नगर परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष पार्षद और चिरकुंडा थाना के पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी रामजी राय ने श्रमदान किया और गांधी जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। स्वच्छता पखवाड़ा के समापन के मौके पर मीडिया को संबोधित कर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विजय हांसदा ने कहा कि पिछले एक पखवाड़े के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मुख्य रूप से पूरे नगर परिषद क्षेत्र में स्वच्छ रखने का प्रण लिया गया, साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की बात कही। स्वच्छता जीवन का आधार होता है, जो सरकारी प्रोग्राम है उसके संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी आप लोगों को ब्रीफ कर चुके हैं। हम समाज के दृष्टिकोण से देखें तो यह समाज में विद्वेष का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। विगत कई दिनों से कई कंप्लेंट भी आ रहे हैं कि नाली में कूड़ा फेंकने के चलते आप लोगों में सौहार्द बिगड़ रहा है, सफाई सही ढंग से नहीं रहने के चलते एक दूसरे पर विद्वेष चल रहा है। तो यह सामाजिक कुरीति के अलावा एक प्रशासनिक चुनौती भी बन जाएगा अगर इसको हम सही ढंग से कार्यान्वित नहीं करें तो। हम यह तभी संभव हो सकेगा जब सभी की सहभागिता हो, दिल से लोग स्वच्छ रहने की शपथ लें और उसको कार्यान्वित करें। हम आशा करते हैं कि यह अभियान लोगों को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित चिरकुंडा थाना के पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी रामजी राय ने कहा कि स्वच्छता जीवन का आधार है और आज समाज में जो गंदगी फैल रही है वो सामाजिक कुरीतियों के साथ साथ प्रशासनिक चुनौती भी साबित होती जा रही है। राय ने लोगों से अपील किया कि अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखें और नाले में गंदगी को फेंकने का काम ना करें, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें ताकि हमारा पूरा इलाका स्वच्छ रह सके। शहरी एवं आवासन कार्य मंत्रालय और विभागीय निर्देश अनुसार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि हमें स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन करना है, जिसके तहत हमने विभिन्न कई सारे एक्टिविटीज़ किए स्वच्छता को लेकर। इस बार का जो थीम है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, इनका यही मीनिंग है कि आपके स्वभाव में ही स्वच्छता होना चाहिए और आपके संस्कार भी में स्वच्छता होना चाहिए। स्वच्छता के प्रति क्योंकि गांधी जी के प्रति काफ़ी सजग रहते थे, तो आज हम स्वच्छ भारत दिवस भी मना रहे हैं। इसके तहत आज हमने श्रमदान करके हमारे ऑफिस कार्यालय से शहीद स्थल तक हमने श्रमदान किया और 17 सितंबर से हमने कई सारे एक्टिविटीज़ किए, जिसमें एक पेड़ माँ के नाम या फिर वुमेन चैन की बारी हो, स्वच्छता के प्रति कई सारे जो स्वच्छता को लेके जागरूकता अभियान हमने करवाए, वॉल पेंटिंग हो चाहे वुमेन चैन की बात हो, विभिन्न इंस्टीट्यूशन में स्वच्छता स्वच्छता को लेके प्लेस लेने की बात हो, स्वच्छता किसी तरह से हम लोग को जो है चिरकुंडा नगर परिषद को स्वच्छ रखना है और हम सभी एज ए कार्यपालक पदाधिकारी के तौर पर मैं सभी चिरकुंडा नगर परिषद के वासियों से ये अपील करूंगा कि कूड़े को है कूड़ेदान में डालें, नहीं यत्र तत्र ना फेंकें और चिरकुंडा को स्वच्छ और स्वस्थ रखें।